26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की प्रदर्शित झांकी बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार ने सबका मन मोह लिया। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है। ये झांकी जनजातीय समाज में आदिकाल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी राज्य के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है। छत्तीसगढ़ की झांकी ने सबका मन मोह लिया। छत्तीसगढ़ की मुरिया दरबार झांकी को देश की बेस्ट झांकी का अवार्ड मिल सकता है। इसके लिए लोगों को वोट करना होगा। बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल विभिन्न राज्यों की झांकियों के बारे में आम नागरिकों की राय लेने के लिए ही रक्षा मंत्रालय ने एक पोल की शुरुआत की है। अपनी झांकी को देश की नंबर वन झांकी बनाने के लिए 26 जनवरी शाम 5:30 बजे तक वोट कर सकते हैं। वोटिंग के लिए आपको भारत सरकार की माई गवर्नमेंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। साइन अप करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसे आप अपने मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से साइन इन कर सकते हैं। डैशबोर्ड में सर्वे बटन पर क्लिक करने के बाद वोट फॉर योर फेवरेट WRepublic Day 2024 लिंक में जाना होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ टीम आदिम जन संसद और बस्तर मुरिया दरबार को चुनना होगा और सबमिट करने पर आपका वोट दर्ज हो जाएगा। बता दें, केंद्रीय विषय आदिम जन संसद के अंतर्गत जगदलपुर के मुरिया दरबार और कोंडागांव जिले के छोटे डोंगर में स्थित लिमऊ राजा को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ के लोक संगीत से सजी इस झांकी में परब नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। झांकी की सजावट जनजातीय शिल्पों से की गई थी, जिसमें बेल मेटल और टेराकोटा शिल्प के सौंदर्य को प्रदर्शित किया गया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार ने दर्शकों का मन मोह लिया। गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के अनेक शीर्षस्थ लोग, विशिष्ट अतिथि गण तथा आम नागरिक दर्शक दीर्घा में उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।